अनूपपुर जिले में पुलिस और प्रशासन के बीच चल रही अनबन के बीच मंगलवार को एसपी अनूपपुर अखिल पटेल का तबादला हो गया है। एसपी अखिल पटेल का ट्रांसफर पुलिस मुख्यालय भोपाल हुआ है। अभी तक नए पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना नहीं हुई है। आपको बता दें कि आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा चलाए गए सूदखोरी अभियान जहां पूरे रेंज में चर्चा में है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों से अनबन भी सुर्खियों में है। कार्यकाल के दौरान एसपी अखिल पटेल और कलेक्टर के बीच तकरार हुई थी। बता दें कि लोक अभियोजन अधिकारी और पूर्व एसपी का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं डीपीओ राम नरेश गिरी ने पूर्व एसपी अखिल पटेल की कार्यशैली पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसके साथ ही ये बात भी सुर्खियों में है कि एसपी अखिल पटेल के ट्रांसफर की वजह से ये वजह कहीं डीपीओ राम नरेश तो नहीं। बता दें कि मामले में डीपीओ ने 26 मामले को लेकर हाईकोर्ट में रीट पिटीशन दायर करने की भी बात कही है। वही साक्ष्य छुपाकर न्यायालय पेश करने और अपराधियों को लाभ पहुंचाने का भी आरोप एसपी पर जो है लगाया गया है। इसके साथ ही अनूपपुर जिले के कई थाना प्रभारियों के ने जो है बिना समीक्षा के थाने के सभी मामलों को डीपीओ को ना बताते हुए सीधे डीजे के समक्ष न्यायालय में पेश किए हैं। वहीं इन मामलों को देखते हुए जिला अभियोजक अधिकारी राम नरेश गिरी ने पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस तथा न्यायिक विभाग के विरुद्ध जान से खतरा बताते हुए कलेक्टर से सुरक्षा की मांग उपलब्ध कराए जाने की बात की है। साथ ही बता दें कि इस मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से भी अभियोजन अधिकारियों द्वारा की गई। इन सभी मामलों में पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय न होने के बाद एसपी का स्थानांतरण कर दिया गया। और शब्द कहे गए अव्यवहारिक शब्दों का उपयोग किया गया और यहाँ तक कि ऐसे शब्द कहे गए कमीना तू जो है तो यहाँ तुझे जिला अभियोजन अधिकारी किसने बना दिया है और तुझे पावर किसने दे दिया कि मेरे अभिवेचक के खिलाफ जो है तुमने जो है इस तरह से टिप्पणी की है। अधीक्षक श्री अखिल पटेल साहब ने किया है और डायरेक्ट फोन से किया है। उस परिस्थिति में किया है कि मैं 8 घंटे ड्यूटी सुबह से लेके 8 घंटे ड्यूटी करके खड़े खड़े कोर्ट में जो है तो मतलब काम किया था। शब्द कहे गए अव्यवहारिक शब्दों का उपयोग किया गया और यहाँ तक कि ऐसे शब्द कहे गए कमीना तू जो है तो यहाँ तुझे जिला अभियोजन अधिकारी किसने बना दिया है और तुझे पावर किसने दे दिया कि मेरे अभिवेचक के खिलाफ जो है तुमने जो है इस तरह से टिप्पणी की है। अधीक्षक श्री अखिल पटेल साहब ने किया है और डायरेक्ट फोन से किया है। उस परिस्थिति में किया है कि मैं 8 घंटे ड्यूटी सुबह से लेके 8 घंटे ड्यूटी करके खड़े खड़े कोर्ट में जो है तो मतलब काम किया। चलिए इसी के साथ इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओमकार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमकार, अनूपपुर में प्रशासन और पुलिस के बीच जो है अनबन का सिलसिला तो जारी था और उसी बीच जो है एसपी का स्थानांतरण हो गया और अब जो है कई सारे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, क्या कुछ जानकारी है? जहां तक है अस्मिता जी, ये देखा जा रहा है कि पुलिस और न्यायालयीन सवालों को लेके एक संदेह के दायरे में आ रहा है। यहाँ पर एक डीपीओ जो है लोक जिला अभियोजन अधिकारी, उन्होंने कलेक्टर मैडम को पत्र लिखकर ये अपनी असुरक्षा की के चलते सुरक्षा की मांग की गई है और उनका आरोप ये है जो वर्तमान पूर्व एसपी हैं अखिल पटेल जी, उन पर उन्होंने आरोप लगाया है कि 26 मामलों में उन्होंने 26 जो अभियोजन पक्ष के हैं मतलब आरोपी हैं उनको लाभ पहुँचाया है जी। और उन्होंने हमें बातचीत में ये बताया है कि उन्होंने जो पुलिस महानिदेशक भोपाल से एक पत्र जारी हुआ था जिसमें उन्हें उल्लेख किया था कि सीधा चिन्हित मामले पे जो है लोक अभियोजन के समक्ष पहले स्क्रूटनी करनी थी पर पुलिस प्रशासन द्वारा स्क्रूटनी ना करके सीधा डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पेश किया गया, जो कि डीपीओ ने यह बताया कि यह न्यायालय की अवमानना के दायरे में आता है। और उन्होंने यह भी बातचीत में बताया है कि पुलिस पैरा लीगल एक्ट का भी उन्होंने उल्लंघन किया है और क्या कहते हैं कई तरीके से आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप का मामला है, कई थानों का नाम लिया गया है जो कि सीधा स्क्रूटनी न करने के सीधा डीजे साहब के पास प्रस्तुत करना बताया है। जैसे थाने में ले लीजिए, अमरकंटक थाना हो गया, करण पठार थाना हो गया, रामपुर नगर थाना हो गया, इन थानों के भी बताया गया है कि उनके जो है
पुलिस अधिकारी थाना के प्रभारी जो हैं वो डायरेक्ट सीधे डीजे के पास ले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी बातचीत हुई है कुछ मामलों को लेके जिसे असुरक्षा का भय महसूस हो रहा है। जी जी, उनका आरोप जो है वो काफी गंभीर लगे हुए हैं और ऐसे में उन्होंने अपनी सफाई में कुछ कहा है क्या? देखिए, जैसे कि बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बोला कि हमें देखिए कि मीडिया से मामले से पता चल रहा है, मीडिया के माध्यम से कि हम पर आरोप लगे हैं जी। इस मामले में हमने वरिष्ठ अधिकारी से बात करनी चाहिए, शहडोल संभाग के डीजी से। उन्होंने कहा ये न्यायालयीन मामला है और उच्च जांच चल रही है, पुलिस महानिदेशक तक बात चली गई है, भोपाल तक वो उनकी जांच कर रहे हैं और आपको ज्यादा जानकारी लेनी है या सीधा उनसे बात कीजिए प्रधान न्यायाधीश से। अब इस मामले में हम क्या कह सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से ये जो मामले हैं डायरेक्ट स्वीकार कर लिए हैं। कहीं ना कहीं एक न्यायालयीन पद पे बैठा हुआ डीपीओ जिला लोक अभियोजन अधिकारी असुरक्षा की भय कर रहा है, कहीं ना कहीं न्यायालय से लेके पुलिस प्रशासन तक संदेह के घेरे में आ रहा है। चलिए, अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है इस मामले में? अब कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है, मतलब चर्चा का बना हुआ है कि कहीं इन सभी मामलों को लेकर एक बार सीएम शिवराज सिंह ने भी एसपी साहब को फटकार लगाई थी ऑनलाइन के माध्यम से जी, कि आप अपने ध्यान दीजिए और हद में रहिए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो काफी गंभीर आरोप जो है लगाए गए हैं, अब देखना खास ही होगा कि कार्रवाई कब तक होती है।